हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस बीकॉम प्रोग्राम का सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट है डीएसई की कैटेगरी में अगर आपने चूज़ किया है इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देखेंगे एस ओ एल रेगुलर या एन सी वेब में अगर आप पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल बिजनेस नाम से ही पता लग रहा है। इसमें आपको इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, कॉन्सेप्ट होता है, वो सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इंटरनेशनल बिज़नेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिज़नेस का आपस में क्या लिंक है, इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। अलग अलग जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होते हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट। यूनिट टू है आपका इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आप पढ़ोगे, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसकी थ्योरीज वगैरह क्या होती हैं, और BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में आप पढ़ोगे। फिर है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ोगे आप कि ये कौन किन तरह की होती है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके बारे में। और फिर आपका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, मार्केट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड लास्टली आपका FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस कौन कौन से तरह की होती हैं FDI, वो सब चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ोगे। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कौन कौन से कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वगैरह हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर। पेपर की हम बात करते हैं, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और टोटल 3 घंटे का पेपर रहेगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या पूरा हिंदी में कीजिए। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस। आर्थिक पर्यावरण के घटकों का वर्णन कीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि जो अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं ये इन्वायरमेंट के, लाइक पॉलिटिकल, लीगल, इसके बारे में आपको लिखना है, और ये इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज सोशल फोर्सेस इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस डिस्कस, और बी पार्ट है, हाउ डज कल्चरल एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये वही बात है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट को ही टॉपिक को ही पूछा गया है इसमें, कि सामाजिक ताकतें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करती हैं चर्चा करें, और संस्कृत तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये इंटरनल पार्ट में 2 पार्ट्स आपको करने हैं, लगभग 8-9 इस तरह से ये क्वेश्चन डिवाइड कर गया है इंटरनल पार्ट वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के किस सिद्धांत से किस प्रकार विभिन्न हैं। 2 थ्योरी है इंटरनेशनल बिजनेस की, उन थ्योरी को आपको पता होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके जो इंटरनल पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कमर्शियल पॉलिसी इन डिटेल, वाणिज्यिक नीति के उपकरणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रोल ऑफ WTO इन इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका पर चर्चा करें। और इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन NE2, इसमें आपका वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हम हिंदी में पढ़ देते हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ SAARC। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस वेरियस फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी मुद्रा बाजार की विभिन्न विशेषताओं और कार्यों की चर्चा कीजिए, या डिस्कस द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। स्थिर विनिमय दर प्रणाली की विवेचना कीजिए, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI? डज FDI ऑलवेज बेनिफिट्स अ कंट्री? क्रिटिकली एनालाइज। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI से आप क्या समझते हैं? क्या FDI से हमेशा किसी देश को फायदा होता है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड एट ग्लोबल लेवल एंड सजेस्ट वेज टू रिजोल्व देम। तो इसमें यही है कि वैश्विक स्तर पर किन किन पर्यावरण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके समाधान के उपाय। अब वापसी इसके अगर हम सिलेबस पर वापसी आ जाते हैं तो 5 यूनिट बताई गई थी आपको, हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल है, 15-15 मार्क्स की हर एक यूनिट है। चाहे आप देख लो यूनिट 1 में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट पर ज़्यादा टॉपिक आए हैं, यूनिट 2 में थ्योरी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वो आप ज़रूर से करके जाएगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी या दूसरी थ्योरी जो है, ठीक है। और इसके अलावा यूनिट 3 के अंदर जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है IMF, WTO, इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, SAARC। यूनिट 4 के अंदर आप देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आया है, फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। और यूनिट 5 में यह है कि FDI क्या है, क्या इससे कंट्री को फ़ायदा होता है, या फिर जो बिज़नेस इन्वायरमेंट के इशूज़ हैं उसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है। तो पूरा पेपर आपको हर एक यूनिट करनी है, हर एक यूनिट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको जो 75 मार्क्स का पेपर है, 15-15 मार्क्स की हर एक यूनिट है। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।